दोस्तों रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन, यानी कि कुछ ऐसे फॉरेस्ट रहते हैं जहां पर हमेशा ही वर्षा लगी रहती है, यानी कि बारिश लगी रहती है, और इसी के कारण यहां पर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं हमेशा ही वो ग्रीन रहते हैं, यानी कि हरा भरा रहता है। कुछ ऐसे वर्षा वन इंडिया में, बांग्लादेश में और सब कॉन्टिनेंट्स के कुछ और देशों में भी पाए जाते हैं, पर दुनिया का सबसे बड़ा जो वर्षा वन है वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये कितना बड़ा है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसका जितना एरिया है इसमें भारत जैसी 2 देशें समा सकती है। दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 4 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, जिसमें से 16,000 से अधिक इनके विभिन्न प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं। इसके अलावा 3,000 से ज़्यादा स्पेसीज के मछलियाँ पाए जाते हैं, फिर 3,500 स्पेसीज से भी ऊपर स्पाइडर्स यानी कि मकड़ी मिलते हैं। इसके अलावा भी 7,000 स्पेसीज से भी ऊपर यहाँ पर इंसेक्ट्स मिलते हैं विभिन्न प्रकार के। दुनिया का टोटल ऑक्सीजन का 20% सिर्फ अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आता है, और इसीलिए इसको धरती का फेफड़ा कहा जाता है। अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि ये विश्व का 9 देशों का एरिया शेयर करता है, जिनमें से ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, गुआना, सुरीनेम, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और फ्रेंच गुआना जैसे देश हैं। इतना बड़ा जंगल होने की वजह से साइंटिस्ट्स यहाँ पर हमेशा नए नए प्रजाति के पेड़ पौधे और जीव जंतु खोजते रहते हैं। अमेज़न जंगलों के बीच में से जाता हुआ अमेज़न नदी है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी नील नद के बाद, और इसमें पाए जाते हैं पिंक डॉल्फिन, जो कि आमतौर पर जो डॉल्फिन पाए जाते हैं इससे बहुत डिफरेंट है इनका कलर, और ये थोड़ा आक्रामक भी होते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक जीवों में से एक है ग्रीन एनाकोंडा, और ये पाए जाते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, और इसलिए अमेज़न का नाम सबसे ज्यादा फेमस है। ग्रीन एनाकोंडा का साइज और वजन दोनों ही बहुत ज्यादा है, 36 फीट तक लंबाई हो सकती है इसकी, और सबसे ज्यादा बड़ा जो एनाकोंडा का फॉसिल्स यहाँ पे मिला था वो था 42 फीट का। ये बड़े साइज के प्राणियों को भी आराम से निगल सकता है। कई सारे हॉलीवुड के फिल्म्स में एनाकोंडा का जिक्र है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो चल सकते हैं, पर इनका चलन पूरा फास्ट नहीं है, बहुत धीरे से होता है। मिट्टी के अंदर इनके जड़े जो है वो सूर्य की रोशनी जहाँ पर गिरती है उसके तरफ मूवमेंट करता है, पर वो बहुत ही धीरे से होता है, और पीछे का जो जड़ रह जाते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बहुत धीरे धीरे इनका मूवमेंट होता है। विभिन्न प्रकार के प्राणी और पेड़ पौधों के बाद इंसानों की भी प्रजाति यहाँ पे रहती है, जो बाहरी दुनिया से बहुत दूर है और जंगलों के बीच में अपना घर बना के रहते हैं, और ये प्राणियों का शिकार कर खाते हैं, और बाहर का टेक्नोलॉजी या बाकी कुछ चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। पहली बार साइंटिस्टों का दल जब ऊपर से हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो उनको नज़र आया ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को, और ये हेलीकॉप्टर से खींची हुई इनकी कुछ तस्वीरें। फिर आते हैं बुलेट एंट्स। इनका नाम से पता चलता है कि एक आदमी के शरीर में अगर एक बुलेट घुसता है तो कितना दर्द होता है, इतना ही इनके एक डंक में जहर होता है और इससे एक आदमी की मौत हो सकती है। फिर अमेज़न के जंगलों में मिलता है जो जीव, उसका नाम है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये विभिन्न कलर के होते हैं और बहुत ही जहरीले होते हैं। माना जाता है कि इनके शरीर में जो जहर है उससे 10 लोगों की मृत्यु हो सकती है, हालांकि ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं। पर दोस्तों डिफॉरेस्टेशन के कारण और कई सारे प्राकृतिक घटनाओं के कारण अमेज़न आज खतरे में है। अमेज़न का जंगल बहुत डैमेज हो रहा है आजकल, और इसके कारण हो रहा है दुनिया में ऑक्सीजन की कमी।
और इसी के कारण ही हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, कई सारी जगहों पर सूखा और कई कई जगहों पर बर्फ गलने से ज्यादातर हिस्सों पर बाढ़ के हालात भी आ रहे हैं। और इससे अगर बचना है तो हमें एक ही उपाय है, हम सबको बहुत बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। आइए चलिए हम सब मिलकर ये प्रयास करते हैं और अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों के आसपास में बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि आगे जाकर बड़ा होगा और बहुत सारे ऑक्सीजन देगा और ग्लोबल वार्मिंग का जो बहुत बड़ा इशू है वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। तो आज का ये वीडियो था अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में, और ऐसे कुछ मज़ेदार वीडियो लेकर हम आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।